पांवटा में प्रशासन ने नदी के बीच से रेस्क्यू किए गुज्जर समुदाय के 32 लोग। घुमंतू समुदाय के 40 मवेशियों को भी पानी से सुरक्षित निकाला गया। राजबन के समीप गिरी नदी में फंसे 5 लोगों को तीसरे दिन भी नहीं निकाल सका प्रशासन। डीसी सिरमौर के अनुसार भारी बारिश से जिला में अब तक हो चुका है 44.5 करोड़ का नुकसान। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कल से पानी के बीचोंबीच फंसे गुज्जर समुदाय के 32 के करीब लोगों को प्रशासन द्वारा आज सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से न केवल उक्त घुमंतू समुदाय के लोगों को निकाला बल्कि उनके 40 पालतू पशुओं तथा भैंसों को भी सही सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। एसडीएम पांवटा गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि दरअसल कल शाम भंगाणी के समीप उक्त लोगों के पानी अथवा नदी में फंसने की सूचना मिली थी और रात के समय ही गोताखोरों के साथ टीम वहां पहुंच गई थी। रात को हालांकि प्रशासन ने अंधेरे के चलते इन्हें निकालने का जोखिम नहीं उठाया, मगर सुबह होते ही ऑपरेशन शुरू किया गया और सबको एक एक कर बाहर निकाला गया। पांवटा के ही राजबन के समीप गिरी नदी में पानी के बीच एक स्टोन क्रशर पर फंसे 5 लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन आज तीसरे दिन भी नहीं निकाल सका और नदी में फंसे मजदूरों के परिजन प्रशासन तथा हिमाचल सरकार से हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है, मगर बताया जा रहा है कि टीम भी इन्हें निकालने में असमर्थता जता रही है और हेलीकॉप्टर की मदद के लिए प्रशासन को कहा जा चुका है। इसके अलावा पांवटा सब डिवीजन के ही धोलागुआ में पानी के बहाव में एक शख्स की जान जाने व दर्जनों बकरियां डूबने की जानकारी भी अब तक मिल चुकी है। और तरफ है कि पिछले 2 दिनों से सिरमौर जिला के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है और बाढ़ तो बारिश से प्रभावित दूर दराज के लोगों को एक तरफ जहां संबंधित विभाग तथा प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है, वहीं कांगड़ा व कुछ अन्य इलाकों के नेताओं की तरह सिरमौर के नेता लोगों की मदद के लिए बाहर निकलने की बजाय फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों को खुद को सुरक्षित रखने की नसीहत दे रहे हैं। जिला में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को सड़कें बंद होने की वजह से झेलनी पड़ रही है और रिहायशी मकान भूस्खलन की चपेट में आने से कुछ परिवार बेघर भी हो चुके हैं। आज सुबह तकरीबन 2 बजे दूरभाष से हमारी पांवटा की टीम हमारे नायब तहसीलदार साहब को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई 25 से 30 लोग, ऐसी खबर आई थी कि फंसे हैं अपना जो हमारा भंगाणी साहब है उसी तरफ पीछे जो हमारी जूता फैक्ट्री उसके पीछे एक खाड़ा है वहाँ पे कुछ गुज्जर समुदाय के हमारे लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम और पुलिस के लोग वहाँ पे पहुँच गए थे रात को क्योंकि अंधेरा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन उस टाइम नहीं कर पा रहे थे। फिर सुबह कोई 5 बजे सारे लोग इंक्लूडिंग मी वहाँ हम पहुँच गए और वहाँ पे जाके हमारी गोताखोरों की टीम भी आई और उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। पहले उनके मवेशियों को निकाला गया और फिर उनको निकाला गया और जितने भी वहाँ पे महिलाएं थी, बच्चे थे और जितने भी बुज़ुर्ग थे कुछ तकरीबन 30 के थे, उनको वहाँ से निकाला गया। उनको कुछ फौरी राहत दी गई और उनको हिदायत भी दी गई क्योंकि 3-4 दिन पहले भी उनको ये हिदायत दी गई थी कि नदी नालों से दूर रहें, बारिश में जल स्तर बढ़ रहा है, तो इस कारण को हिदायत दी गई थी पर वो किसी कारण उसको नहीं मान पाए। बट उनको ये मैं बोलूँगा खैर रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ किसी की जान माल का और वो सुरक्षित रेस्क्यू कर ली गई। सुहागन की नीरे मोसरना मिलाई के छाप तिलक